8th फ्लोर पे एक आपको यू नो 1.4 किलोमीटर का वॉकवे दिया है, स्काई वॉक दिया है, विच इज़ अ टू एंड फ्रो एशियाज लॉन्गेस्ट स्काई वॉक इन्होंने दिया है। सो वो सातों टावर से कनेक्टेड है, सातों टावर्स ऐसे सर्कल में लोकेटेड हैं जैसे इन्होंने प्लेस किए हैं, बीच में इनका बिल्कुल सेंटर में ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया के बीच में ही इन्होंने 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आपको दिया है। हाय गाइस, आई एम योर फ्रेंड निशांत फ्रॉम ग्लोबल एकर्स। सो आज हम आए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 112 एक प्रोजेक्ट कवर करने। एक्सपीरियन विंचेंट इज़ द प्रोजेक्ट नेम। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन ये प्रोजेक्ट है। L&T ने इसकी कंस्ट्रक्शन करी है। IGI एयरपोर्ट यहाँ से 10 से 15 मिनट की दूरी पे है। द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से स्टार्ट होता है। सो बहुत सारी इसकी एक यू नो USPs हैं प्रोजेक्ट की। ऑल्दो ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, बट कुछ यूनिट्स इसमें मिल जाती हैं। कुछ यूनिट्स अगर मैं बोलता हूँ तो शायद 20-25 यूनिट्स इसमें बची हुई हैं। 20-25 यूनिट्स की जो बची हुई हैं वो एक बड़े साइजेज हैं, विलामेंट्स के साइजेज हैं, 5 BHK, विच स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड यू नो 6,200-6,300 स्क्वायर फीट। सो इस प्रोजेक्ट को कवर करने का मेरा जो पर्पस ये है कि मैं ना 3 महीने पहले यहाँ पे आया था एक क्लाइंट के साथ विजिट कराने, क्लाइंट को उनको विलामेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने यहाँ पे विलामेंट देखा जो कि 6,400 स्क्वायर फीट का था और बहुत ही ब्यूटीफुली वो डिज़ाइन किया हुआ विला था। उसका लेआउट मुझे बहुत पसंद आया एंड आई थॉट कि मुझे इस प्रोजेक्ट को कवर करना चाहिए। सो आज मैं आपको इस यहाँ पे जो सैम्पल अपार्टमेंट, सैम्पल विलामेंट इनका है 5 BHK का, विच इज़ अ ड्यूप्लेक्स, उसकी मैं आपको विजिट कराऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा विलामेंट उन्होंने कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाके हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, वेयर इन यू विल गेट रियल टाइम रियल इस्टेट अपडेट्स ऑफ अक्रॉस दिल्ली NCR। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लोकेशन की पहले हम बात कर लेते हैं। लोकेशन इज सेक्टर 112। यहाँ के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का प्राइस होगा इट शुडंट बी लेस देन 18,000-20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो इतना पोटेंशियल है इस प्रॉपर्टी में, दैट्स वाई यू नो वी आर कवरिंग दिस प्रोजेक्ट टुडे। सो विंचेंट जो प्रोजेक्ट है एक्सपीरियन डेवलपर का, एक्सपीरियन इज अ सिंगापुर बेस्ड डेवलपर, 100% FDI प्रोजेक्ट है। L&T ने इसकी 100% कंस्ट्रक्शन करी है एंड 2013 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। अगर यहाँ टाइपोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पे आपको 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK हाई राइज के अंदर, उसके अलावा 5 BHK विला में टेंट हाउसेज अवेलेबल हैं, वो होंगे। उसका जो साइज़ है अराउंड 8,500 स्क्वायर फीट का साइज़ है, 8,511 टू बी प्रिसाइज। इसके अलावा हमारे पास कुछ 2 2 BHK अवेलेबल हैं, 2 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट, उसका साइज 2,411 है, 2,411 स्क्वायर फीट। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ विलामेंट्स अवेलेबल हैं विच आर अ ड्यूप्लेक्स, और ड्यूप्लेक्स हैं उनका एरिया स्टार्ट्स फ्रॉम 6,300 स्क्वायर फीट टू 6,800 स्क्वायर फीट। प्राइसिंग मैंने आपको बताई दी है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या इसका यू नो फाइनल कॉस्ट निकल के आती है। प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है, आपको 100% पेमेंट अपफ्रंट करनी है। यू कैन यू नो बुक द प्रॉपर्टी एंड गेट द रजिस्ट्री डन। आप मूव इन करना चाहते हैं मूव कर सकते हैं, आप अगर यू नो रेंट पे देना चाहते हैं या कुछ और आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए लेना चाहते हैं तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज प्राइसिंग बहुत कम है, बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइसिंग है पे आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। आज प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ 23.6 एकर लैंड पार्सल जहाँ पे इन्होंने 7 टावर्स बनाए हैं। 7 टावर्स इन्होंने जो बनाए हैं सारे हाई राइज टावर्स, 7 टावर्स के अंदर इन्होंने सिर्फ 563 यूनिट्स बनाई हैं। सो आप अगर पर एकड़ डेंसिटी देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट ही आपको मिलता है, अनलाइक अदर प्रोजेक्ट जैसे कि आजकल मार्केट में प्रोजेक्ट आ रहे हैं वेयर इन डेंसिटी इज़ लाइक 80-90 अपार्टमेंट पर एकड़। तो यहाँ पे आपको बहुत लो डेंसिटी वाला एक प्रोजेक्ट मिल जाता है। अमेनिटीज़ की अगर हम बात करें, अमेनिटीज़ आपको यहाँ पे आप कोई भी अमेनिटीज़ हो सकते हैं, आपको सातों टावर्स ऐसे सर्कल में लोकेटेड हैं जैसे इन्होंने प्लेस किए हैं, बीच में इनका बिल्कुल सेंटर में ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया के बीच में ही इन्होंने 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आपको दिया है। प्लस जो 7 टावर्स हैं, 7 टावर्स के साथ इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने 8th फ्लोर पे एक आपको यू नो 1.4 किलोमीटर का वॉकवे दिया है, स्काई वॉक दिया है, विच इज़ अ टू एंड फ्रो एशियाज लॉन्गेस्ट स्काई वॉक इन्होंने दिया है। सो वो सातों टावर से कनेक्टेड है, जहाँ पे टावर्स के बीच में गैप है उन्होंने उसको भी वहाँ से कवर करके उसके ऊपर स्काई वॉक बनाया है, तो वो एक बहुत अच्छी फील देता है आपको पूरा अगर एज अ प्रोजेक्ट आप इसको होल देखें। सो इसकी अमेनिटीज़ की अगर हम बात करें, आपको इसके अंदर इंडोर बैडमिंटन कोर्ट मिलता है, बास्केटबॉल कोर्ट मिलता है, लॉन टेनिस कोर्ट मिलता है, स्क्वैश कोर्ट मिलते हैं इंडोर, उसके अलावा आपको कार्ड्स गेम मिलते हैं, स्विमिंग पूल, आपको सब कुछ सारी अमेनिटीज़ आप जो सोच सकते हैं आपको वो इस प्रोजेक्ट में मिलती है। इसके अलावा आपको कार्ड सर्विस, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस प्रोजेक्ट। अपार्टमेंट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको मॉड्यूलर किचन मिलती है, इटालियन मार्बल मिलता है हॉल में लिविंग डाइनिंग में, उसके अलावा आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है और जो बेसिक चीज़ें आती हैं आपको एयर कंडीशनिंग पूरा स्प्लिट यूनिट्स मिलती हैं अपार्टमेंट में, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती हैं। अपार्टमेंट के जो लेआउट्स हैं, डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, मैं बोलूँगा एक तो एफिशिएंट है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा मतलब लाइट को, सनलाइट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस पूरे लेआउट्स को डिज़ाइन किया है, चाहे वो कोई भी अपार्टमेंट हो। कुछ अपार्टमेंट आप मान लीजिए यहाँ पे जो अगर आप हाई राइज में अगर कुछ 4 BHK या पेंट हाउस में जाते हैं तो आपको पूरा दिल्ली ग्रीन्स का एरिया दिखता है, विच इज़ यू नो 1,000 एकर्स ऑफ ग्रीन, तो वो हमेशा ग्रीन ही रहने वाला है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगी।
सामने आपको 109 सेक्टर दिखता है यहाँ से, तो दूर दूर तक आपको ओपन स्पेस मिलता है यहाँ पे। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जहाँ पे लग्जरी भी है, ग्रीनरी भी है, पीस भी है, एंड ईच एंड एवरी यू नो कोई भी एक छोटा सा छोटा पॉइंट जो आप सोचते हैं कि हमें एक लग्जरी प्रोजेक्ट में, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में मिलना चाहिए, वो आपको पूरा का पूरा एक यू नो बुके बना के आपको इस प्रोजेक्ट में डिलीवर किया गया है। सो मैं आपको इस सैम्पल अपार्टमेंट की विजिट कराऊंगा आज। सो अभी हम देखेंगे कि सैम्पल अपार्टमेंट इन लोगों ने कैसे डिज़ाइन किया है। L&T की कंस्ट्रक्शन है तो नो डाउट कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी रहने वाली है। कनेक्टिविटी यहाँ पे हमने बात करी, कनेक्टिविटी 112 सेक्टर की कनेक्टिविटी है दिल्ली से, और अपना गुड़गांव से भी वेल कनेक्टेड है। यहाँ से अगर साइबर हब की हम बात करते हैं तो इट्स अराउंड 20-25 मिनट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप चेक कर सकते हैं मैप पे विंजेंट से साइबर हब आपको कितना टाइम लगता है, और जो प्राइसिंग मैंने आपको बताई, प्राइसिंग इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव। तो अभी हम चलते हैं इनके सैंपल अपार्टमेंट की तरफ, सैंपल अपार्टमेंट देखते हैं, उसके बाद हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो गाइज अभी हम आ गए हैं इनके सैंपल अपार्टमेंट में, विच इज़ अ 5 BHK एंड दिस इज़ अ विलामेंट, दिस इज़ ड्यूप्लेक्स। सो 5 बेडरूम रहेंगे इसके अंदर, 2 सर्वेंट क्वार्टर, 7 वॉशरूम्स एंड एरिया वुड बी 6300 स्क्वायर फिट। सो आप आइए देखिए कि कैसे इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, एंड यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि किस तरह से इन्होंने स्पेस को डिज़ाइन किया है एंड यू नो जो सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। सो पहले हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में। सो दिस इज़ आर फर्स्ट बेडरूम, दिस इज़ बेसिकली इसको आप गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। अभी इन्होंने ऑफिस स्पेस की तरह इसको डिज़ाइन किया है। सो यहाँ पे आप अपना कुछ फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए, या फिर लाइब्रेरी बना सकते हैं, या फिर कुछ किड्स के लिए रूम बना सकते हैं, या फिर इसको आप नॉर्मल बेडरूम बना के गेस्ट रूम भी कितना भी यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रूम को। सो दिस इज़ देयर फर्स्ट रूम। वॉशरूम इसका चेक करिए, वॉशरूम भी इसका काफ़ी स्पेशियस इन्होंने बनाया है। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। सो गेट से हमने एंटर किया, दिस इज़ द मेन गेट, और मेन गेट से एंटर करते ही यहाँ पे अपार्टमेंट के अंदर एक प्राइवेट लिफ्ट आपको मिल जाती है। दिस इज़ अ प्राइवेट लिफ्ट जो कि आप ड्यूप्लेक्स है, फर्स्ट फ्लोर पे आपका आपका ही एरिया है, तो आप इस लिफ्ट को यूज़ करके आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। एंड अगर घर में कोई एल्डरली लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। नॉर्मली विलाज में, विलामेट में मैक्सिमम बिल्डर्स इनसाइड अंदर एक लिफ्ट का प्रोविजन नहीं देते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने लिफ्ट का प्रोविजन दिया है। सो एंटर करते ही आपने देखा राइट में फर्स्ट बेडरूम, दिस इज अगेन अ पाउडर रूम, सो गेस्ट वॉशरूम आप बोल सकते हैं इसको। अब हम आ जाते हैं इनके हॉल में। सो दिस इज द लिविंग एरिया, आप लिविंग एरिया देखिए कितना ह्यूज, कितना स्पेशियस ये लिविंग एरिया इन्होंने बना के दिया है, एंड इसको कितने अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया। आर्किटेक्ट देखिए आप, इसका इंटीरियर देखिए कि किस तरीके से इन्होंने बनाया है। एंड ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, डबल हाइटेड लिविंग रूम है ये। सो डबल हाइटेड होने की वजह से जो यू नो ग्रैंडनेस एक आती है, एक प्रीमियमनेस की फीलिंग जो आती है, आप अगर यहाँ पे बैठेंगे देखेंगे तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा, आप फील करेंगे कि यू नो कि एक बहुत मतलब एक बहुत आलीशान जगह पे आप बैठे हैं, या फिर एक बहुत बड़े घर में आप बैठे हैं, तो ये एक फील अलग ही है यहाँ पे बैठने की ना। सो आप देखिए कितने अच्छे से इसको डिज़ाइन किया है। सो ये जो अपना फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे भी एक लिविंग एरिया दिया है, वो मैं आपको भी आगे वीडियो में दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना 10 सीटर, 12 सीटर, जितने भी आपको यहाँ सीटिंग कैपेसिटी करनी है, वो आप इजीली यहाँ पे अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को क्या लगी इस विलामेंट में, यहाँ पे आपको लिविंग एरिया अलग दिया है, लिविंग एरिया के बाद इन्होंने डाइनिंग एरिया अलग दिया है। सो डाइनिंग एरिया आप देखिए कितना स्पेशियस है, आप यहाँ पे 10 सीटर डाइनिंग लगा हुआ है, एंड उसके बाद भी आप स्पेस चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस आपको डाइनिंग एरिया में दिख रहा है। सो कितना स्पेस है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सो ये भी इन्होंने बहुत अच्छे से क्यूरेट किया, ऐसा नहीं है कि आपका लिविंग और डाइनिंग एक साथ कर दिया है तो वो सामने ही सब कुछ दिख रहा है, तो आपकी थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन रहती है कि वहाँ पे अगर कोई और बैठा है और यहाँ पे आप यू नो डिनर कर रहे हैं या फिर लंच कर रहे हैं। सो उस तरीके से इन्होंने अच्छे से प्लान करके इसको बनाया है। सो दिस इज देयर, आप इसको बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे पूजा रूम बना सकते हैं, मुझे तो लगता है पूजा रूम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आप यहाँ पे और कुछ भी जैसे जिस भी तरीके से आपको यूज़ करना है, आप यहाँ पे स्टडी टेबल लगा सकते हैं, कुछ ऑफिस टाइप बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे अपना डिनर टेबल है तो आप बार भी बना सकते हैं। सो एक ये भी बहुत अच्छा प्रोविजन इन्होंने दिया है। इसके साथ में लिविंग एरिया के साथ में आपको यहाँ एक बालकनी मिल जाती है, आपका पूरा वेंटिलेशन भी है, वेंटिलेशन के साथ साथ आपको अच्छी सनलाइट भी मिलती है यहाँ पे, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। इसके बाद हम आ जाते हैं इनकी किचन में। सो दिस इज़ द किचन, किचन का आप स्पेस चेक करिए कि कितनी ज़्यादा स्पेशियस किचन इन्होंने डिज़ाइन की है, और पूरी स्क्वायरिश किचन है ये, अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा एक लेआउट है किचन का। यहाँ से ये ओपन है, दिस इज़ देयर यूटिलिटी बैल्कनी, यहाँ से इनका सर्वेंट रूम भी अटैच्ड है, एंड
आपको ये जो आप देख रहे हैं किचन के अंदर जो भी वर्क हो रखा है, वुडन वर्क हो रखा है, मॉड्यूलर किचन आपको एज इट इज मिलती है। सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस नहीं मिलते इसके साथ में, वुडन वर्क आपको एज इट इज मिलता है इसके अंदर। सो यहाँ पे भी आपकी फ्रेंच विंडो दी गई है, तो फ्रेंच विंडो है, इतनी बड़ी विंडो है, मॉस्किटो नेट लगे हुए हैं, इसको आप ओपन करके आराम से किचन का वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। और किचन में अगर आप दिन में बात करेंगे तो हमेशा आपको सनलाइट मिलेगी या फिर आपको नेचुरल लाइट मिलती रहेगी। सो इस बेसिकली इस अपार्टमेंट में 5 रूम्स हैं, विलामेट में 5 रूम्स हैं, तो 5 रूम में से आप एटलीस्ट 2 या 3 को यू नो मास्टर बेडरूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो पहला बेडरूम मैंने आपको दिखाया एंटर करते ही राइट साइड पे, दिस इज़ देयर सेकंड बेडरूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर या फिर ऑन द लोअर फ्लोर। सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो दिस इज़ अगेन फ्रेंच विंडो, यहाँ पे आपका फ्रेंच विंडो आ जाता है और बालकनी आपकी हॉल में कनेक्टेड है, लिविंग एरिया में कनेक्टेड है। आप रूम का साइज़ चेक करिए, रूम का साइज़ देखिए कितना डिसेंट, तो आप इसको मास्टर बेडरूम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको उधर सीटिंग दी हुई है तो 3-4 लोग उधर बैठ सकते हैं आराम से, अगर आपको रूम में बैठना है सबको एक साथ, यू नो आपका बेड आराम से किंग साइज़ यहाँ पे बेड लगा हुआ है। इसके अलावा आप ये चेक करिए, आपको बेडरूम के स्पेस के अलावा भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है, वॉकिंग क्लोजेट, आप आराम से यहाँ पे अपना पूरा का पूरा स्टोरेज बना सकते हैं। आपको बेडरूम में ऑल्दो इतना स्पेस दिया है बट उसके अलावा आपको यहाँ पे इतना स्पेस दिया है कि आप यहाँ पे इजीली अपनी सारी चीज़ें लगा सकते हैं। आप वॉशरूम चेक करिए इनका, वॉशरूम इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ह्यूज एक स्पेशियस बाथटब के साथ ये आता है वॉशरूम इनका, जो मास्टर बेडरूम में ये ग्राउंड फ्लोर पे देते हैं। सो दिस इज़ देयर यू नो फर्स्ट मास्टर बेडरूम और उसका ये वॉशरूम है अटैच्ड। सो अभी हम चलते हैं इनके फर्स्ट फ्लोर पे। सो फर्स्ट फ्लोर पे हम देख के समझते हैं कि इन्होंने यू नो किस तरह से बाकी 3 रूम्स को और डिज़ाइन किया है, ऊपर उन्होंने किस तरह का स्पेस प्रोवाइड किया है। सो हमने ये देखा कि कितना ह्यूज, कितना स्पेशियस लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, शायद ये मैंने मिस कर दी, यहाँ पे आपको जो अटैच बैल्कनी मिलती है, इस बैल्कनी का अगर आप व्यू देखेंगे सो बहुत ही बड़ी एक रनिंग बैल्कनी या फिर डेक आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सीटिंग्स भी लगाई हुई हैं कुछ शो के लिए कि आप कैसे यहाँ पे प्लान कर सकते हैं सीटिंग वगैरह। सो अभी हम चलते हैं इनके फर्स्ट फ्लोर पे। सो इसका जो लेआउट है ना, सो मैं यहाँ पे ना एक्चुअली 3 महीने पहले मैं यहाँ पे आया था एक क्लाइंट के साथ, मैंने फर्स्ट टाइम इस विलामेंट को विजिट किया था। सो अभी इनके पास इन्वेंट्री भी बहुत कम लेफ्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया। सो मैंने तब जब इसका लेआउट दिखा ना, सो आई थॉट कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मुझे कवर करना चाहिए कंसिडरिंग कि द वे दे हैव यू नो प्लान दिस। और सबसे अच्छी बात है कि आपको दिल्ली बॉर्डर पे रेडी टू मूव चीज़ मिल जाती है, L&T की कंस्ट्रक्शन मिल जाती है। सो अब हम ऊपर आए हैं, अभी स्टेयर से हम ऊपर आए हैं और स्टेयर से आके पहले हमें राइट साइड पे वही लिफ्ट मिल जाती है जो हमें आपको नीचे एंटर होती है गेट में, मेन गेट के साथ में दिखाई थी। देन दिस इज देयर थर्ड बेडरूम। सो ये भी बेडरूम का साइज़ काफ़ी डिसेंट इन्होंने थर्ड बेडरूम का साइज़ बनाया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक फ्रेंच विंडो आपको मिल जाती है मॉस्किटो नेट के साथ, यहाँ पे भी आपको प्रॉपर नेचुरल लाइट मिलती है, सनलाइट मिलती है। इस रूम के अंदर इन्होंने रूम के बाहर मतलब रूम में ही आपको स्टोरेज दिया है और वॉशरूम आप चेक कर सकते हैं, वॉशरूम का स्पेस इसमें भी बहुत अच्छा स्पेस आपको वॉशरूम में मिला है। इसके अलावा अभी हम चलते हैं इनके एक और यू नो फैमिली लॉन्ज आप बोल सकते हैं, ये लिविंग एरिया, एक छोटा सा लिविंग एरिया और इन्होंने डिज़ाइन किया है। सो अभी हम उसमें चलते हैं। सो इसको आप एक तरीके से अपना यू नो फैमिली लॉन्ज काइंड ऑफ बना सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक टीवी लगा दिया है, एक मतलब जैसे अभी एक यू नो कुछ प्रोजेक्ट्स में टीवी लॉन्च का भी कंसेप्ट आ रहा है कि आप रूम को टीवी लॉन्च बना सकते हैं, तो इस तरीके से इन्होंने इस यहाँ पे डिज़ाइन किया कि टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे ही पूरे फैमिली मेंबर्स बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे इसके साथ भी बैल्कनी अटैच मिलती है विद मॉस्किटो नेट, एवरीथिंग इज देयर, आपको जो दिख रहा है वही आपको मिलता है। यहाँ पे इन्होंने फ्रेंच विंडो डिज़ाइन किया। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पूरे विलामेट में भी ग्राउंड फ्लोर पे कोई राइट में रूम हो या लेफ्ट में किचन हो, सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन की गई हैं। अच्छे से डिज़ाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी जो वेंटिलेशन है, आप वेंटिलेशन देखिए, आप हर जगह आपको नेचुरल लाइट मिलती है पूरे घर में, और जहाँ पे आपको हर जगह नेचुरल लाइट मिलती है तो वो वैसे भी घर वास्तु कंप्लाइंट होते हैं, वहाँ पे आपको वास्तु भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी आगे पीछे हर जगह से यहाँ पे आपको विंडोज़ मिलती हैं, बहुत बड़ी विंडोज़ मिलती हैं, साइजेबल विंडोज़ मिलती हैं, नेचुरल लाइट मिलती है। सो दिस इज़ देयर फोर्थ बेडरूम। अभी हम आ गए हैं फोर्थ बेडरूम में इनके, एंड यहाँ पे आपको फिर एक अटैच बैल्कनी मिलती है। अटैच बैल्कनी में आपको फिर इन्होंने आउटर एक इनकी यूनिट लगी हुई है और यहाँ पे इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट शो के लिए दिखाया हुआ है कि कैसे आप यहाँ पे एरिया यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये साइज़ भी एक डिसेंट साइज़ है, आप वहाँ चेक करिए वहाँ पे भी मतलब कितना स्पेस है। इस बेडरूम को भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, बड़ा बेड लगा हुआ है, किंग साइज़ बेड है 6x6 का, और उसके अलावा यहाँ पे भी अच्छा खासा स्पेस है। देन आप अगर यहाँ देखते हैं तो आपको अगेन एक वॉकिंग क्लोजेट मिल जाता है, एक पूरा का पूरा ड्रेसिंग एरिया इतना बड़ा आपको दिया हुआ है, एंड इन जो वार्डरोब यहाँ पे बनी हुई है इनकी डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है, आप देख चेक कर सकते हैं, अच्छी खासी इनकी डेप्थ है। और यहाँ पे आप यू नो
आराम से अपने क्लोथिंग वार्डरोब यहाँ पे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। आप इनका वॉशरूम चेक करिए, वॉशरूम ऑल्दो इसको मैं मास्टर बेडरूम नहीं बोलूंगा, बट इसका वॉशरूम वहाँ पे आपको एक एरिया दे रखा है, इधर इन्होंने बेड एरिया डिफरेंट कर रखा है, ठीक है। सो आप प्लानिंग देखिए कि किस तरीके से हर रूम के साथ एक बहुत स्पेशियस इन्होंने वॉशरूम अटैच किया है, उसके अलावा हर रूम के साथ ऑलमोस्ट आपको ड्रेसिंग एरिया भी दिया इन्होंने। सो अभी हम चलते हैं मास्टर बेडरूम में इनके, एक और मास्टर बेडरूम। मैंने आपको जैसे पहले भी बोला कि दो तीन मास्टर बेडरूम इसमें आप यू नो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से बेडरूम को मास्टर बेडरूम में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज देयर फिफ्थ बेडरूम। सो फिफ्थ बेडरूम इसको हम मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं, और नीचे जो हमने देखा था उसको भी हम मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं। सो यहाँ पे भी आपकी एक आपको ग्रैंड बैल्कनी मिल जाती है, बहुत बड़ा स्पेस है ये भी, अराउंड 6 feet के आसपास वाइड है ये, और आप स्पेस चेक कर सकते हैं। डिजाइनिंग अभी इन्होंने जो इंटीरियर किया हुआ है, ऑल्दो ये आपको नहीं मिलता अपार्टमेंट के साथ में, ये आपको रॉ मिलता है, बट आप चेक कर सकते हैं कि आप किस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से आप यू नो आप अगर आप इसको परचेज करते हैं तो किस तरीके से आप इंटीरियर करा सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाता है इससे। सो आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। एंड अब इनका हम देखते हैं कि इन्होंने वॉशरूम के लिए कितना स्पेस दिया है। सो यहाँ पे तो इनका वॉकिंग क्लोजेट अगर आप देखेंगे तो इट्स अ ह्यूज ह्यूज एरिया जो इन्होंने यहाँ दिया है, आप चेक कर सकते हैं कितना प्यारा एरिया इन्होंने यहाँ पे डिजाइन किया है। देन इनका वॉशरूम आप चेक कर सकते हैं, वॉशरूम इनका अगेन जो फिफ्थ बेडरूम है दैट कम्स विद अ बाथटब, एंड बहुत बड़ा साइज वॉशरूम का इन्होंने यहाँ पे भी दिया है अपार्टमेंट के अंदर। सो ओवरऑल आपको मतलब देख के ये कैसा फील हुआ, मतलब कि क्या इन्होंने लेआउट में, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर भी अगर कुछ आपको कमी लगती है या आपको कुछ बहुत अच्छा लगा इस अपार्टमेंट के अंदर, सबसे अच्छा मुझे तो यहाँ पे क्या लगा कि चारों तरफ से यहाँ पे सनलाइट है, बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, बहुत मतलब वाइड डेक्स मिली हुई है, बैल्कनी मिली हुई है आपको। उसके अलावा ये जो यू नो लिविंग एरिया इन्होंने नीचे बनाया, लिविंग एरिया में जो आप यहाँ पे यू नो बैठ के जो एक प्रीमियमनेस एक ग्रैंडनेस की फीलिंग आती है आप देख सकते हैं मेरे सामने, और उसके अलावा यहाँ पे भी इन्होंने आपको एक लिविंग एरिया बना के दिया है, यहाँ पे आप अपना यू नो फैमिली लॉन्च या फिर यू नो अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर सकते हैं इजीली। सो बहुत अच्छा लेआउट एक बहुत अच्छे प्राइस में आपको यहाँ पे मिलता है। सो सैंपल अपार्टमेंट को हम यहीं पे एंड करेंगे। सो गाइस कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, कैसा लगा आपको ये सैंपल अपार्टमेंट? अगर आप यू नो अपने लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं रेडी टू मूव, और आपको एक लग्जरी प्रॉपर्टी चाहिए, एक अच्छी कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। आपको इस अपार्टमेंट की विजिट करनी है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे। एंड इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट गुड़गांव में देख रहे हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यू नो एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मैंने और दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक पे आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जितने भी लेटेस्ट लॉन्चेस आ रहे हैं या जो भी कोई डील्स आती हैं डेवलपर से वो मैं उसमें भेजता रहता हूँ। कुछ रीसेल की यूनिट्स भी होती हैं जहाँ पे डिस्ट्रेस सेल होती है, तो वो भी मैं उसके ऊपर भेजता रहता हूँ। तो आप वहाँ से अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या कुछ समझ में आता है तो वहाँ से आप ले सकते हैं उसको। एंड आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।